दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास और उत्थान को समर्पित मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान की ओर से जगतपुरा स्थित राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय में अखिल भारतीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर बी डी कल्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता का आयोजन 21 मई तक होगा, जिसमें देश भर से 150 से अधिक बाल एवं युवा वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा लेकर अपने गायन वादन प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी ने बताया कि प्रतियोगिता का सेमीफाइनल शनिवार और फाइनल राउंड रविवार को होगा, जिसमें विजेताओं को नकद राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट कर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों से अतिथिगण एवं श्रोता भी भाव विभोर हो उठे। मुख्य अतिथि कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्यों को सराहा एवं प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आशीर्वचन दिए। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष NL वर्मा ने ट्रस्ट की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर बाबा भारत, साध्वी मनीषा, राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह, सेवानिवृत्त जेलर जगदीश प्रसाद चांदोलिया, सेवानिवृत्त मुख्य लेखाधिकारी CL आलोरिया, ओम प्रकाश पोद्दार, औचित्य पोद्दार, डॉक्टर राजीव सक्सेना, समाज सेविका दुर्गा वर्मा, माधुरी कुमार, अनिल कुमार यादव, सुनीता यादव, डॉक्टर तरुणा माथुर सहित कई गणमान्य जन लोग मौजूद रहे। मानव सेवा ट्रस्ट पूरे राजस्थान का है और हम इससे सन 2016 से ये हम ये जो निर्धन हैं, दिव्यांग हैं, सर्व समाज के अपेक्षित और उपेक्षित व्यक्ति हैं, उनके बारे में काम कर रहे हैं। ये संस्था कब से काम कर रही है? ये संस्था सन 2016 से काम कर रही है। इसने अब तक ऐसे कितने प्रोग्राम किए हैं? इसमें अब ये तो जो दृष्टिबाधित प्रतियोगिता ये तो पहला है और इसके पहले हम 20 एक्टिविटीज कर चुके हैं, जिसमें हमको 4 बार राज्य स्तरीय पुरस्कार CM द्वारा और जूली साहब द्वारा दिए जाते हैं। अखिल भारतीय दृष्टिबाधित प्रतियोगिता मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा करवाई जा रही है, जो कि त्रिदिवसीय प्रतियोगिता है। 19, 20 और 21 मई को ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें देश भर से लगभग 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें बाल वर्ग और युवा वर्ग के रूप में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं यहाँ से निकल के जाएंगी। हमारे जो बीना खेसट के हेमजीत मालूस है, वो भी इसमें फाइनल डे 21 मई को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको मेन जो बच्चा विजेता रहेगा उनको प्लेटफॉर्म यहाँ से मिलेगा और इस तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो सर, प्रतियोगिता में जो लोग फाइनल में आए हैं उनके लिए कोई आपने पहले से कोई ऑडिशन वगैरह या किस तरह से उनको मतलब आपने शामिल किया है? हाँ, पहले से उनका हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ से ऑडिशन लिया है, उनको सेलेक्ट करके फिर पूरे देश भर से हम लोगों ने 150 को चयनित किया है, जो यहाँ पर आकर अपना प्रतिभा और निखारने का के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सर, मानव सेवा ट्रस्ट किस तरह से मतलब समाज के लोगों को लाभ दे रहा है, उस बारे में कुछ जानकारी? मानव सेवा ट्रस्ट जो है 2016 से जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, एडल्ट लोग हैं, यूथ हैं, उनके लिए स्वरोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं, टीचिंग के लिए काम कर रहा है, उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रहा है। इस तरीके से कई क्षेत्रों में हम लोग काम कर चुके हैं और मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा अभी लगभग 100 से अधिक स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स कर चुके हैं। ये हमारा 5वां इंडिया लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा काफ़ी लोग प्रोत्साहित भी हो रहे हैं और उनको लाभ भी पहुंच रहा है। सर, मैं मानव सेवा ट्रस्ट में महासचिव पे कार्यरत कर रही हूँ और यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम लोग म्यूज़िक कंपटीशन 3 दिन का आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी यही कोशिश है कि इन बच्चों को एक स्टेज मिले, एक अच्छा इनकी लाइफ में नया मोड आए, ताकि ये आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, कुछ इनके कुछ नया यहाँ से लेके जाएँ, हमारी यही कोशिश है जिसको लेकर आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये अच्छा कार्य है, अपेक्षित बच्चों को प्रोत्साहन से मिलेगा और पूरे देश के स्तर पर ये बात जाएगी कि दृष्टिबाधित बच्चे भी योग्यता और क्षमता रखते हैं। आप देखिए कि जो थोड़े भी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो लोग मानते हैं कि इनमें कोई क्षमताएं नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि दृष्टिबाधित होते हुए भी कितने साह के साथ में और कितने
सुर और संगीत सारा आप देखेंगे बहुत अच्छा ये रखने वाले हैं और रखते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। तो ये प्रोत्साहन के लिए, इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, और ये कदम हर क्षेत्र में मानव सेवा ट्रस्ट हर एक उपेक्षित वर्ग में इस तरह का कार्य करता है और सभी जाति धर्म के लोगों के साथ में मिलकर ऐसा काम करता है, ये बहुत सराहनीय काम है। मानव सेवा ट्रस्ट जो है हमेशा से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम करते हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल से सब बच्चे आए हैं, तैयार हैं, दूर से लोग आए हैं, एक बार जोर से तालियां हो जाएंगे लिए कि ब्लाइंड बच्चे हैं सारे और माहौल तो बनते रहना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। स्टेज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मानव सेवा ट्रस्ट ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। एकाग्रता से पढ़ते हैं इसके कारण वो हर क्षेत्र में आगे पहुँचे। मैं इस प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक संपन्न होने की मंगल कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हेल्दी कॉम्पिटिशन करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।